एक शहर के अंदर एक 5-स्टार होटल था और उस होटल के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई थी। उसमें एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के के पास एक बैग था जिसमें तकरीबन 3 लाख रुपए थे। तभी उस होटल के अंदर से एक लड़की निकलती है और जैसे ही वो लड़का उस लड़की को निकलते हुए देखता है तो वह उस पैसों के बैग को लेकर सीधा उस लड़की के पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उन पैसों को उस लड़की को देने लगता है। अब जैसे ही वह लड़की देखती है कि ये उसे पैसे देने के लिए आया है तो वह उसे मना करती है, कहती है कि मैं तुम्हारे पैसों को इस तरह से नहीं रख सकती। तभी लड़का उस लड़की से पैसों को देने के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि मैं ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हें ये पैसे दे रहा हूं, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो मुझे पैसों को लौटा देना। अब इस बात को सुनने के बाद वह लड़की इन पैसों को लेने के लिए तैयार हो जाती है और उन 3 लाख रुपयों के बैग को लेकर वहां से चल देती है। इधर वह लड़का भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया था। दोस्तों, कौन थी यह लड़की और कौन था यह लड़का, क्या कहानी थी इन 3 लाख रुपयों की, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है छोटे से गांव की। छोटे से गांव के अंदर एक घर होता है। उस घर के अंदर 2 माता-पिता हैं और 2 उनकी लड़कियां हैं। बड़ी बेटी का नाम सुनीता है और छोटी बेटी का नाम संजना है। माता पिता अपनी बेटियों से खूब ढेर सारा प्यार किया करते हैं क्योंकि उनकी केवल 2 ही बेटियां हैं और कोई बेटा उनका नहीं है। परिवार के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी भी किया करते हैं और संगीता के पिता एक कंपनी में नौकरी भी किया करते हैं। इसी तरह से उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। परिवार में इतना पैसा पैदा हो जाया करता जिस पैसे से उनका गुजर बसर अच्छी तरह से हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। तभी एक दिन सुबह सुबह जब पिता ड्यूटी पर जा रहा था तो अचानक से उसका भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाती है। अब यह खबर जैसे परिवार को मिलती है तो पूरा परिवार इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में जो संगीता की माँ है वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर उसके पति को एडमिट किया गया था। वहां पर जाने के बाद वह डॉक्टर साहब से बात करती है तो बात करने से उसे पता चलता है कि उसके पति का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद संगीता की माँ सोचती है कि अब मैं क्या करूं क्योंकि उनके पास कोई सेविंग नहीं थी। दोस्तों, वो जो भी कुछ कमाया करते थे उसको अपने भरण पोषण में लगा दिया करते थे और कुछ भी पैसा उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए बचाकर नहीं रखा था। क्योंकि संगीता के पिता के पास कुछ जमीन थी तो वह सोच रहा था कि अगर कुछ भी हो जाता है तो यह जमीन काम आ जाएगी, वैसे भी बेटियों की शादी करने के लिए मैं इस जमीन को बेच डालूंगा। अब इसके बाद संगीता की माँ को भी ये बात के बारे में पता था तो वह अपनी जमीन को बेचने के लिए अपने गाँव के ही लोगों से पूछने लगती है। कहती है कि अगर किसी के पास पैसे हो तो हमें पैसे दे दीजिए, बदले में हम आपको ये जमीन दे देंगे। मेरे पति की जान खतरे में है और अगर हमें पैसे नहीं मिले तो मेरे पति की मौत हो जाएगी। इसके बाद पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करता था जो बार बार उसकी जमीन के बारे में ही सोचा करता था। वह चाहता था कि यह जमीन किसी तरह से मुझ पर आ जाए और उसके बाद बड़ा अच्छा होगा। अब जैसे ही उसे यह बात पता चलती है कि इस घर के मालिक का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने के बाद उसे पैसों की जरूरत है उसकी पत्नी को, तो एकदम से आगे आता है। उसके बाद वह व्यक्ति एडवांस में उसे 5 लाख रुपए दे देता है। अब 5 लाख रुपए जैसे संगीता की माँ को मिलते हैं तो वो फौरन से वहां से सीधा हॉस्पिटल जाती है और उन पैसों को काउंटर पे जमा करा देती है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसके पति का इलाज करते हैं और इलाज के बाद पता चलता है कि जो संगीता के पिता हैं वो कोमा में चले गए हैं। अब यह बात जैसे संगीता और संगीता के मम्मी और उसकी बहन को पता चलती है तो वो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हमने उनकी जान तो बचा ली है लेकिन वो कोई भी हरकत नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़ा रहा करेंगे। अब दोस्तों, कुछ दिनों तक और उसके पति का इलाज चलता है और इलाज के दौरान जो भी पैसे उसकी जमीन को बेचने के बाद उसे मिलने वाले थे वो सारे पैसे ला लाकर वो अपने पति के इलाज में लगा देती है। पति के इलाज में वो पैसे लग गए थे लेकिन इतने पैसे लगने के बाद भी उसकी पति की जान नहीं बच पाती है और एक दिन अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद संगीता की माँ बिल्कुल अकेली हो जाती है और अपने पति की मौत पर वो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर उसकी बेटियों का भी रो रोकर बुरा हाल था क्योंकि परिवार का जो कमाने वाला था वो तो मर चुका है और साथ में जो जमीन जिस पर वो अपना गुजारा कर सकते थे वो जमीन भी अब उनके हाथ से जा चुकी है। एक दिन शाम को माँ बेटी एक कमरे में बैठकर बतिया रहे थे और तभी एकदम से माँ के मुंह से निकल जाता है कि तुम लड़कियों की जगह अगर मेरे बेटे होते तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। क्योंकि दोस्तों, उनके घर में खाने का सामान भी नहीं बचा था और उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अड़ोस पड़ोस वालों रिश्तेदारों ने मदद करने से मना कर दिया था क्योंकि काफी दिन उन्हें ऐसे रहते हुए हो गए थे। अब यह बात संगीता को बहुत ही बुरी लगती है और एकदम से वो खड़ी होती है और कहती है कि माँ कोई बात नहीं, भगवान ने हमें बेटी बनाया है लेकिन हम बेटों से कम नहीं है। उसके बाद संगीता अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं एक अच्छी सी नौकरी करूंगी और अपने परिवार का बेटा बनकर ख्याल रखूंगी। क्योंकि दोस्तों, संगीता की बड़ी बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और संगीता को उसके पिता पढ़ा रहे थे, लेकिन जब से
उसके पिता की मौत हुई है, तो उसके बाद उसकी पढ़ाई बंद हो गई थी। अब इसके बाद संगीता अपनी माँ से वादा करती है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर काम करूंगी और काम करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करूंगी। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटी लड़कियों को बाहर कमाने की इजाज़त नहीं है और गाँव में लोग क्या कहेंगे कि इनकी लड़की काम करती है और काम करने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, तेरी कहीं से शादी भी नहीं होगी। लेकिन तभी संगीता अपनी माँ को समझाते हुए कहती है कि माँ आज हम भूखे मर रहे हैं तो गांव वाले हमें खाना देने के लिए नहीं आ रहे हैं, हमारी परिस्थितियों से हमें निपटना होगा और इसी वजह से मैं नौकरी जरूर करूंगी ताकि हमारा परिवार अच्छी तरह से दिन व्यतीत कर सके। इसके बाद माँ भी उसकी बात के लिए एग्री हो जाती है और दूसरे दिन संगीता अपने घर से निकलती है और नौकरी ढूंढने के लिए शहर चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद कई जगह वो पूछती है कि मुझे कोई काम मिल जाए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करती रहूँ, लेकिन धीरे धीरे शाम होने को जा रही थी और शाम तक उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है। वह वापस से घर आ जाती है और घर आने के बाद उसकी माँ मानो उसका वेट कर रही हो, पूछती है कि बेटी तुम्हें कहीं काम मिला या नहीं मिला। तो संगीता कहती है कि हाँ माँ काम तो मिल गया है, लेकिन अभी 2-3 दिन मुझे वहाँ पर जाना होगा, उसके बाद मैं काम को देखूंगा और काम देखने के बाद मैं उन लोगों को बताऊंगी कि काम मुझे अच्छा लगा है या नहीं। दोस्तों वह अपनी माँ से झूठ बोल देती है क्योंकि उसकी माँ उम्मीद लगाए बैठी थी। अब इसके बाद दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी संगीता शहर के अंदर इधर उधर घूमती है, कई प्लेसमेंट पर जाती है, तो वहीं से उसे एक होटल के बारे में पता चलता है। एक 5-स्टार होटल होता है, उस होटल के अंदर एक रिसेप्शन वाली लड़की की जरूरत थी। इसके बाद संगीता उस जॉब को करने के लिए उस होटल में पहुंच जाती है। वहां जाकर जो होटल की मालकिन होती है वो भी एक महिला होती है और उससे जॉब के लिए आग्रह करने लगती है। होटल की मालकिन देखती है कि संगीता देखने में बड़ी खूबसूरत है तो उसे जॉब पर रख लेती है और कहती है कि तुम्हें रिसेप्शन पर रहना होगा और वहां पर अच्छी तरह से ग्राहकों को अटेंड करना होगा। इसके बाद संगीता इस बात को लेकर बड़ी खुश हो जाती है और यह बात वह जाकर अपनी माँ को बताती है, कहती है कि माँ मेरी जॉब आज पक्की हो गई है और मैं वहीं पर जॉब किया करूंगी। इसके बाद दोस्तों संगीता नियमित रूप से वहां पर जॉब करने के लिए जाया करती है और अच्छी तरह से कस्टमरों के साथ बात किया करती है। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है और संगीता की सैलरी इतनी थी कि उसके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता, तीनों माँ बेटियों के खर्चे अच्छी तरह से चल जाया करते, खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक। अब दोस्तों जो संगीता की बड़ी बहन थी उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी तो संगीता की माँ उसकी शादी के लिए चिंता करती है और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगती है। तो संगीता की माँ को उसकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का मिल भी जाता है जो लोग दहेज नहीं मांग रहे थे, लेकिन उनकी एक ही डिमांड थी कि बारात का स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। अब इस बात को सुनकर संगीता की माँ बड़ी खुश होती है और जैसे ही शाम को संगीता ड्यूटी से वापस आती है तो उसे इन सभी बातों के बारे में बताती है, कहती है कि बेटी तेरी बड़ी बहन की शादी के लिए रिश्ता मिल गया है और वो लोग कह रहे हैं कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए लेकिन बारात का स्वागत अच्छी तरह से कर देना। उसके बाद इस बात को सुनकर संगीता भी बड़ी खुश होती है, लेकिन दोस्तों उन लोगों के पास कोई भी जमा पूंजी या पैसे नहीं थे जिन पैसों से वो बारात का अच्छी तरह से स्वागत कर पाते। उसके बाद संगीता की माँ एकदम से मायूस हो जाती है और जैसे ही संगीता अपनी माँ को मायूस होते हुए देखती है तो एकदम से पूछ लेती है कि माँ आप मायूस क्यों हो गई। तो संगीता की माँ कहती है कि बेटी मैंने हामी तो भर ली है लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि इतने पैसों का जुगाड़ मैं कहाँ से कर पाऊंगी, क्योंकि बारात का अच्छी तरह से स्वागत करने के लिए कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए थे और 4 लाख रुपए उनके पास नहीं थे। अब इसके बाद संगीता की माँ इस बात को सोच सोच कर परेशान थी, तभी संगीता उनसे कहती है कि माँ कोई दिक्कत नहीं, इन पैसों का इंतजाम मैं अपने आप करा दूंगी। उसके बाद संगीता रात को अपने कमरे में लेटने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही चिंता थी कि वह अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए 4 लाख रुपयों का इंतजाम कहाँ से करे। तो वह सोचती है कि अपनी होटल मालिक से मैं बात करूंगी और उनसे 4 लाख रुपये उधार ले लूंगी और बाद में काम कर करके उसके पैसों को चुका दूंगी। ऐसा ही सोचकर वो सो जाती है और दूसरे दिन जैसे सुबह होती है तो वह तैयार होकर अपनी ड्यूटी पर चली जाती है और वहां जाने के बाद अपने होटल मालिक से बात करने लगती है, कहती है कि मालकिन मेरी बहन की शादी है और मेरे पिता मर चुके हैं तो मुझे अपनी बहन की शादी के लिए 4 लाख रुपए चाहिए, तो आप मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपके पैसे काम कर करके ऐसे ही चुका दूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद होटल की मालकिन उसे मना कर देती है, कहती है कि इतना बड़ा एडवांस हम लोग नहीं दे सकते, अगर तुम चाहती हो तो 1 लाख रुपए हम तुम्हें दे सकते हैं। उसके बाद संगीता इस बात को सुनकर मायूस हो जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए यहाँ से इंतजाम कर लेती हूँ और बाकी पैसों के लिए लोन ले लूंगी। इस बात को सोचकर वह 1 लाख रुपए एडवांस लेती है और एडवांस लेने के
बाद उन पैसों को जाकर शाम को अपनी माँ को दे देती है। अब संगीता की माँ कहती है कि बेटी ये तो 1 लाख रुपए हैं, बाकी 3 लाख रुपए कहाँ है। तो संगीता कहती है कि माँ आप चिंता मत करो, उन पैसों का भी इंतजाम जल्द से जल्द हो जाएगा। दूसरे दिन संगीता लोन के लिए भी ट्राई करती है लेकिन उसका लोन नहीं हो पाता है। इसके बाद शादी की डेट नजदीक आ रही थी और जैसे ही डेट नजदीक आती है तो संगीता को डर लगने लगता है कि वो शादी के टाइम तक पैसों का इंतजाम ना कर पाए। इसके बाद वो होटल के रिसेप्शन पर बैठा रहा करती लेकिन मायूसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दिया करती। तभी दोस्तों उस होटल के अंदर एक रेगुलर कस्टमर आया करता है जिसका नाम था विक्रम। विक्रम जो कि पिछले 2 महीने से लगातार उस होटल के अंदर आया करता है और वो बार बार संगीता को ही देखता रहा करता है क्योंकि संगीता देखते ही उसे पसंद आ गई थी और वह मन ही मन संगीता से प्यार करने लगा था। संगीता भी इस बात को नोटिस करती है लेकिन संगीता उससे कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि विक्रम एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा है। अब इसके बाद विक्रम रेगुलर उस होटल पे आया करता है तो वह देखता है कि संगीता आजकल कुछ उदासी रहा करती है तो उससे रहा नहीं जाता और एकदम से वह रिसेप्शन पर आकर संगीता से उसकी उदासी का कारण पूछने लगता है। अब संगीता विक्रम को बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन वो काफी ज्यादा मजबूर है तो एकदम से वो विक्रम को बता देती है कि मेरी बहन की शादी आने वाली है और मुझे पैसों का इंतजाम करना है। 1 लाख रुपए तो मुझे होटल से मिल गए थे लेकिन 3 लाख रुपयों का इंतजाम करना अभी बाकी है। अब इसके बाद जब विक्रम उदासी का कारण जान जाता है तो उसके बाद वह संगीता की मदद करने की ठान लेता है। वह कहता है कि संगीता तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। इसके बाद विक्रम वहां से चला जाता है और अपनी गाड़ी को लेकर सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक जाने के बाद वह बैंक से 3 लाख रुपए निकालता है और वापस आकर उसी 5-स्टार होटल के सामने खड़ा हो जाता है। तभी संगीता अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करके वहां से बाहर निकलती है तो विक्रम के पास 3 लाख रुपए थे एक बैग के अंदर। तो जैसे संगीता को बाहर निकलते हुए विक्रम देखता है तो एकदम से अपनी कार से उतरता है और सीधा संगीता के पास जाकर उसे उस बैग को थमाने लगता है। कहता है कि संगीता इसके अंदर 3 लाख रुपए हैं और इन पैसों को ले जाओ और अपनी मुसीबत से छुटकारा पाओ। अब संगीता जैसे इस बात को सुनती है तो विक्रम से मना करने लगती है, कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे पैसे इस तरह से नहीं ले सकती। तभी विक्रम संगीता से कहता है कि संगीता मैं तुम्हें इन पैसों को ऐसे ही नहीं दे रहा हूं, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो उस समय पर मुझे इन पैसों को लौटा देना। इसके बाद संगीता उन पैसों को रखने के लिए मान जाती है और उन पैसों को ले जाकर अपनी माँ को दे देती है। विक्रम भी उन पैसों को देने के बाद वहां से चला गया था और उसके बाद रेगुलर विक्रम वहां पर आया करता और संगीता के चेहरे की स्माइल दोबारा से वापस आ गई थी। और जैसे संगीता की बहन की शादी हुई थी तो संगीता होटल नहीं जाती है। इधर जो लड़का विक्रम था उसको भी वो अपनी बहन की शादी में बुलाती है, कहती है कि आपको भी जरूर आना है क्योंकि दोस्तों जब उसने उससे पैसे लिए थे तो दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया था। इसके बाद विक्रम भी उस शादी में आता है और आने के बाद अच्छी तरह से उस शादी को अटेंड करता और वहां से चला जाता है। अब संगीता की बहन की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद दोबारा से संगीता उस होटल में जाकर काम करने लगती है और अपने काम को अच्छी तरह से किया करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, समय के साथ साथ विक्रम भी रोज शाम को वहां पर आ जाया करता और संगीता विक्रम से फोन पर भी बातें करने लगी थी। विक्रम और संगीता के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। तभी एक दिन विक्रम अपने प्यार का इजहार संगीता से कर देता है। अब संगीता से जैसे उसने अपने प्यार का इजहार किया था तो इस बात को सुनने के बाद संगीता विक्रम से कहती है कि विक्रम ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूं और तुम काफी ज्यादा पैसे वाले हो। लेकिन विक्रम उससे कह देता है कि अगर मैं पैसे वाला हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना और मैंने सोच लिया कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा। संगीता उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन विक्रम जिद पर अड़ जाता है। तो इसके बाद संगीता नाराज होकर फोन काट देती है और विक्रम के फोन उठाने से बंद हो जाती है। अब जिस रात संगीता ने विक्रम का फोन नहीं उठाया था तो उसी रात विक्रम बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और शराब पीकर जब वह गाड़ी चला रहा था तो उसका एक बहुत ही भीषण एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के कारण उसका एक पैर काटना पड़ता है। अब दोस्तों जैसे विक्रम का एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद विक्रम उस होटल पर रोज शाम को नहीं जा पाता है और इस बात को देखकर कहीं ना कहीं संगीता के मन में विक्रम को लेकर चिंता होने लगती है। वह सोचती है कि ये क्यों नहीं आ रहा है तो उसके बाद वह उसके फोन पर ट्राई करती है लेकिन विक्रम का अभी एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद वह अभी ICU में था तो वह उसका फोन नहीं उठा पाता है। उसके बाद संगीता दोबारा से रिसेप्शन पर मायूसी बैठा रहा करती और तभी एक दिन अचानक से विक्रम का एक खास मित्र उसके पास आता है और वह उसे विक्रम के बारे में पूरी बात बताता है। जैसे संगीता विक्रम की हालत के बारे में सुनती है तो एकदम से फौरन भागती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जैसे विक्रम को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो विक्रम था वह भी संगीता को देख तो लेता है लेकिन उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाता है क्योंकि फिलहाल उसका एक पैर कट चुका था और वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा।
रहा था। तभी विक्रम उसे वहां से जाने के लिए कहता है कि संगीता तुम यहां से चली जाओ। अब इस बात को सुनकर जो संगीता है वो विक्रम से कहती है कि मैं यहां से क्यों चली जाऊं, तुमने तो मुझसे अपना प्यार का इजहार कर दिया लेकिन मैं अपने प्यार के बारे में तुम्हें कभी बता ही नहीं पाई। इसके बाद विक्रम जैसे इस बात को सुनता है तो वह संगीता की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। दोस्तों संगीता मन ही मन विक्रम को बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी लेकिन वो बहुत ही अमीर था और संगीता एक गरीब घर की लड़की थी, इसी वजह से वह कभी भी अपने प्यार का इजहार विक्रम से नहीं कर पाई। और अब जब विक्रम को संगीता की बहुत ज्यादा जरूरत है तो उस टाइम पर संगीता ने फैसला किया कि वह विक्रम का साथ देगी और इसी वजह से संगीता ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। और इसके बाद विक्रम की हालत ठीक होती है और ठीक होने के बाद संगीता विक्रम से शादी कर लेती है। और जैसे ही संगीता शादी होकर विक्रम के घर पर जाती है तो विक्रम के माता पिता भी संगीता को देखकर बड़ी खुश होते हैं क्योंकि उनके बेटे ने पहले ही संगीता के बारे में अपने माता पिता को अच्छी तरह से बता दिया था और उसके माता पिता भी अच्छे थे। अब संगीता की माँ अकेली रह गई थी तो उसके बाद विक्रम संगीता की माँ को भी अपने पास लाकर अपने ही घर में रखने लगता है। वह संगीता की माँ की भी अपने माता पिता की तरह देखभाल किया करता और साथ में जो संगीता है वह भी विक्रम के माँ बाप का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती और परिवार हंसी खुशी इसी तरह से रहा करता है। संगीता जिंदगी भर विक्रम की सेवा करती है, विक्रम के पास पैसों रुपयों की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी ढेर सारी कंपनियां और अच्छा खासा बिजनेस उसके पिता का है। तो दोस्तों ये थी कहानी लड़की संगीता की जिसने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद भी उसने अपनी जिंदगी को इस तरह से जिया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।